दोस्तों आवाज सुनो आवाज सुनो आवाज सुनो, गेटी देखो देखो तो बाप रे बोले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारुठिया, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप सभी जानते हो कि मैं एक पुष्कर के पास में एक छोटा सा गांव है, तो आज की जो लोकेशन की शुरुआत है वो मेरे गांव से कर रहा हूं। और लगभग 4.5 किलोमीटर यहां से पुष्कर पड़ता है, जो कि ब्रह्म नगरी के नाम से फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और वर्मा जी का एकमात्र मंदिर है केवल इस पुष्कर के अंदर। आप सभी जानते हो, किसी से मैंने कभी भी छुपाया नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। और अभी थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को क्लिक करा है, और जो कहानी है आज जहाँ मैं जाने वाला हूँ वो कहानी बहुत भयावह और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पीछे आप देख रहे होंगे ये जो होटल लाइन है, ये सिर्फ पुष्कर के आसपास एरिया में है। और मैंने आपको बोला था कि मैंने कुछ छुपाया नहीं है। यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर थावला गाँव पड़ता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो उसको। और जो कहानी है ये इस हॉन्टेड हाउस की है, जहाँ पर पास ही में एक शमशान है, जो कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है वो। मगर उसी के पास में एक ज़मीन थी खाली, कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग इंसान थे, उनकी कोई ज़मीन थी उसी के पास में, और वो ये चाहते थे कि मेरा घर वहीं पे बने, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई संतान नहीं थी। और वो छोटा सा गांव था, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते थे, वहाँ से वो रिटायर हो गए थे। उन्होंने सोचा है क्यों ना मैं अपनी ज़मीन पर एक मकान बनाऊँ और उसी के अंदर रहने लग जाऊँ। तो काफ़ी लोगों ने उसको मना करा, बुज़ुर्ग जो दंपति थे उनको बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि ये शमशान जो है बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, आप यहाँ पे मकान मन बनाओ, आप यहाँ की ज़मीन यहाँ किसी आसपास जो लोग हैं उनको बेच दो, सेल आउट कर दो, और यहाँ से किसी दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाओ और वहाँ रहने लग जाओ आप। मगर वो कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने वो मकान बनाया और रहने लग गए। एक दिन वो काली रात आई जिसके लिए मैं उस लोकेशन पर जाने वाला हूँ। जो दंपति थे उनको कोई काम था, दोनों निकल गए उस वहाँ से, और इसी का फ़ायदा उठा के कुछ ऐसे गुंडे लोग जो कि एक लड़की को उठा के लेके आए और उसी जगह पहुँचे। क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ के बारे में लोग सुन लेते हैं ना कि अगर वो हॉन्टेड है तो कोई भी नहीं जाता। इसी का फ़ायदा वो गुंडे एक लड़की को उठा के वहाँ पहुँचे, और वहाँ पर जो मकान था उसका ताला तोड़ा, और उस लड़की को अंदर ले जाके उसका बलात्कार करा, रेप करा, और वहीं पे उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में जब उन दंपति को पता पड़ा कि यहाँ पे एक हादसा हुआ है, तो लोग कहने लग गए थे यहाँ पे कि हमने आपको मना करा था यहाँ पे मकान मत बनाओ, ये शमशान है, सब कुछ है, और आज आपकी बात न मानने के कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक लड़की की निर्मम हत्या हुई है बलात्कार के बाद में। उसके बाद में वो दंपति वहाँ से चले गए और उन्होंने अपनी ज़मीन और अपना मकान सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद में जो भी रात में उस शमशान के अंदर एंटर हुआ है, क्योंकि शमशान में कौन एंटर होता है, या तो फिर जो दारू पीने वाले होते हैं, या फिर जो चोर वगैरह होते हैं, वो ऐसी जगह कुछ लूट के या कुछ भी चोरी करके लाते हैं, तो ऐसी जगह जाके उन चीज़ों को छुपा देते हैं। तो बताया गया है कि वहाँ पे अभी हाल के अंदर 2 ऐसे चोर थे जो किसी के घर पर चोरी करके कुछ सामान लेके गए वहाँ पर और उस मकान में घुसे। बोलते हैं कि वहाँ पे घुसे जरूर थे मगर उसकी लाशें वापस आई। अब मैं एक ऐसी लोकेशन विजिट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, ख़तरनाक है। दोस्तों मैं इतना चाहता हूँ कि आज मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से स्टार्ट होने के बाद में मैं आपको पुष्कर शहर भी दिखाऊँगा, पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। और इस वीडियो को प्लीज़ मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक कर देना, मुझे सपोर्ट करना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस लोकेशन पे बिल्कुल अकेला जाने वाला हूँ। मेरा जो कैमरा है वो ट्राईपोड के ऊपर लगा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना यार, और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना यार, बस इतना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, जो मेरे छोटे हैं उनको मेरा प्यार। जय श्री राम।
12:10 पे दोस्तों मैं इस हॉन्टेड हाउस के पास में पहुंच चुका हूं। मुझे जितना बताया है उससे भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है मुझे ये। मैं बिल्कुल अकेला हूं, मैंने आपको इंट्रो में बोल ही दिया था कि आज मैं इस लोकेशन को विज़िट करने के लिए अकेला ही जा रहा हूं। और एक चीज़ बताऊं दोस्तों, इसका हॉन्टेड होने का कारण सबसे बड़ा ये भी है क्योंकि यहाँ पास में शमशान है। आप देखो ये जो शमशान है ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बताया मुझे। मैं इस लोकेशन पे पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ। बताते हैं कि इस जगह इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है कि यहाँ पे दो लोगों की अभी हाल के अंदर ही मौत हुई है इसी हॉन्टेड हाउस के अंदर। और आपको मालूम है कि मैं आया हूँ इस तरफ से और ये जो गेट है इसको बंद कर रखा है ताकि कोई अंदर एंटर नहीं हो, और मैं अनलीगल तरीके से इसके अंदर घुसा हूँ क्योंकि यहाँ पे सांप जाना मना है इस लोकेशन पे, क्योंकि जो मौत हुई थी वो बहुत दर्दनाक मौत हुई थी इस जगह। आप यहाँ की कंडीशन देखो एक बार, यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं आने की। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे जो जितना मुझे बताया उतनी ज़्यादा एक्टिविटी है या नहीं है। अंदर एंटर होता हूँ एक बार। दोस्तों दुआ करना यार कि मुझे इस लोकेशन पे कुछ भी ना हो। पता नहीं दोस्तों लाइट कैसे बंद हो गई यहाँ पर। हे भगवान मेरी रक्षा करना। और आप देख रहे होंगे यार मेरी लाइट नहीं चालू हो रही है और यहाँ पे कुत्ते भौंकने लग गए बहुत ज़्यादा। हे प्रभु, हे बजरंगबली भगवान, मेरी लाइट चालू कर दे प्लीज़। हे भगवान, वो बाप रे, हे बजरंगबली अगर आप में शक्ति है तो मेरी लाइट चालू कर दे। जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक ये लोकेशन मुझे लग रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी भी फैली हुई है। कोई है यहाँ पे जिससे मैं बात कर सकूँ? ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पीछे की साइड में कुत्ता भौंक रहा है ये मुझे अंदर जाने से रोकना चाहता है। कोई है अंदर? दोस्तों ये जगह बयां कर रही है कि यहाँ पे इतना ज्यादा दर्दनाक हादसा हुआ था उस लड़की के साथ में। ठीक है, कोई है यहाँ पे जिससे मैं बात कर सकूं? दोस्तों एक जगह मुझे देखनी पड़ेगी यहाँ पे अंदर जाने के बाद में, क्योंकि ये जो लाइट मेरी बंद हुई थी तब से मेरे सीने में अचानक डर बैठ गया। यहाँ पे मतलब अंदर आना ही बहुत रिक्स वाली बात है, फिर भी मैं केवल आपके सपोर्ट के कारण इस लोकेशन को विजिट करने के लिए अंदर घुस चुका हूँ। और मुझे देखना है कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, क्योंकि कंडीशन आप देख रहे हो इस हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। कोई है? ये क्या बाथरूम है दोस्तों? ये तो बाथरूम है एक। बहुत बुरी कंडीशन हो रही है यहाँ की। देखो अगर यहाँ पे कोई भी है तो प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मेरे पीछे मत आना। और जो यहाँ पे आपके साथ में हादसा हुआ वो चीज मैं देखने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे आपकी कोई स्प्रिट मौजूद है या नहीं है। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना।
क्या कोई यहाँ पे मौजूद है जिससे मैं बात कर सकूं? क्या यहाँ पे कोई मौजूद है जिससे मैं बात कर सकूं? ये गेट ये भी है दोस्तों। आप यहाँ की कंडीशन देख रहे हो, ये कंडीशन बयां कर रही है, इतनी ज्यादा गंदगी हो रखी है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे उसमें कुछ जानवर वगैरह जरूर आते हैं, मगर किसी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ वो आए। आप एक एक जाले बताऊंगा मैं यहाँ के, इतने ज्यादा जाले हो रखे हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है कई महीनों से यहाँ पे कोई अंदर नहीं आया। मैं आपको एक एक जगह दिखाऊंगा, एक एक जगह लोकेशन विजिट कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे केवल आपके सपोर्ट से ही अंदर आया हूँ। और ये सामने की तरफ एक गेट है, मैं इसको खोल के बताता हूँ, क्योंकि मैं कुछ सेफ्टियाँ भी लेके आया हूँ यहाँ पे, ताकि बाप रे। आप ये भी एक बाथरूम ही है दोस्तों, मगर आप कंडीशन देख सकते हो कितनी बुरी हो चुकी है यहाँ की। मैं अंदर की तरफ जाके आपको लोकेशन विजिट कराता हूँ। अभी तक कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, मगर मेरा काम है दोस्तों कि मैं जो भी, अगर मुझे कोई लोकेशन देगा तो मैं उसे विजिट करके आपको दिखाऊं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं कोई भी चीज ऐसी है तो मैं उस लोकेशन को विजिट करके वहां जाके देखूं कि यहां पे कोई चीज मौजूद है। मैं यहां पे बात करके देखता हूं, अगर कुछ बात करने से अगर कोई चीज आती है यहां पे तो क्लियर हो जाएगा कि यहां पे कुछ है। दोस्तों मैं वो गेट वापस बंद कर देता हूँ एक बार। क्या वो लड़की यहाँ पे मौजूद है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूं? वो जो दर्दनाक हादसा आपके साथ में हुआ है, वो कहानी जो लोगों से मुझे मैंने सुनी है, क्या वो सही है? अगर सही है तो प्लीज मैं चाहता हूं कि कोई एक्टिविटी या कुछ भी ऐसी जानकारी जिससे मुझे लगे कि आप यहां पे हो। दोस्तों इधर से कुछ आवाज आई है, दोस्तों आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो गेट की। देखो देखो गेट की जो एक्टिविटी हो रही है, क्या आप कर रहे हो? मुझे अफसोस है कि आपके साथ में यह गलत हुआ, और मैं सिर्फ यहां पे आपका भाई समझना मुझे, मैं केवल आपको देखने आया था और आपने मुझे ये जो सिग्नल दिया है, जो एक्टिविटी आपने करी है, इससे मुझे लग रहा है कि आप यहां पे हो। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं आपके पास में आके? अगर आपको लगता है कि मैं यहां से चला जाऊं तो क्या मेरे सामने आ सकते हो? अगर आप मेरे सामने आओगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या वो एक बार एक्टिविटी वापस करके बता सकते हो जो अभी आपने करी थी गेट वाली? मुझे मैसेज दोस्तों यहां पर कोई है। ठीक है ठीक है, मैं समझ चुका हूं यहां पे हो आप हो, और शायद ये हो वही जगह है जहां से आप मुझे सिग्नल दे रहे हो, जहां पे आपके साथ में यहां पे बलात्कार हुआ। देखो मुझे नुकसान मत पहुंचाना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं आपको देखने के लिए? मैं इतना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपको एक बार देख के और यहां से चला जाऊं। देखो मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मैं अंदर आ रहा हूं, और जब तक आप मेरे सामने नहीं आओगे तब तक ये साबित नहीं कर सकूंगा कि ये जगह आपकी है और यहां पे किसी को आना नहीं चाहिए। क्या यहां पे आपके आपके साथ में जो शमशान है वहां से भी कोई स्प्रिट है आपके साथ में? दोस्तों मैं अंदर जा रहा हूं भगवान से प्रार्थना करना कि इस जगह जो भी हो वो मुझे नुकसान ना पहुंचा, बस मैं इतना चाहता हूं।
प्लीज दोस्तों मेरे लिए भगवान से प्रेयर करना कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो। देखो मैं अंदर आ रहा हूं, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। दोस्तों मेरे, जो चीज मैंने देखी अभी, मेरे हाथ पैर फूल गए और वो चीज यहाँ मौजूद है। हे गुरुदेव मेरी रक्षा करना। देखो मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्या मैं आपके पास में आके बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ और एक बार वापस जहां पे आप खड़े थे वहां पास में आके आपसे बात करना चाहता हूँ? मैं आपको देख के घबरा गया था, इसीलिए मैं चला गया यहां से। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना, मैं वापस आपके पास में आ रहा हूँ। तो प्लीज ये जो आपके साथ में घटना हुई है, मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। दोस्तों प्लीज भगवान से प्रार्थना करना कि मैं वापस उसी जगह जा रहा हूँ जहां पे वो चीज अभी दिखाई दी थी मुझे, और मेरे पास में गुरुदेव की शक्ति होने के बाद में भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहाँ हो आप? देखो मैं यहाँ पे आपको देख के घबरा गया था, इसलिए मैं चला गया। मुझे मालूम है मैंने आपका भाई भाई मान के, मुझे भाई मान के आपने मेरे को दर्शन दिए थे। दोस्तों कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा है। बाप रे दोस्तों, वो देखो सामने सामने। देखो मुझे माफ कर दो, मैं यहां से जा रहा हूं। ओ बाप रे, ये कुत्ते बोल रहे हैं कुत्ते। आप दोस्तों देखो कुत्ते कितने तेज भौंकने लग गए यहां पे। क्या मौजूद हो यहां पे? मैं एक बार वापस देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे सामने वापस आ जाओ, मैं यहाँ से बिल्कुल चला जाऊंगा। दोस्तों एक्टिविटी सामने से हो रही है, पहले यहाँ से हो रही थी। ठीक है मैं समझ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर आपको लगता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार मैं वापस देखना चाहता हूं, मैं यहां से चला जाऊंगा। दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, इसको सुनो आप। मैं अंदर आ रहा हूं, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना प्लीज। मैं एक बार देख के आपको चला जाऊंगा यहां से, मैं वादा करता हूं। कोई भी नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं है, मगर ये गेट किसे? सामने कुछ है। ठीक है दोस्तों, देखो सामने कुछ है, ये मैं पास में जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। बाप रे, ठीक है मैंने आपसे प्रॉमिस करा था मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यहाँ से मैं वादा करता हूँ, इससे दोबारा नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे दोस्तों, मैंने जो वादा करा उस हिसाब से मुझे चला जाना चाहिए, इसकी जगह है ये, मुझे छोड़ के जाना चाहिए। मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना, मैं जा रहा हूँ। जो आपके साथ में यहाँ पे हुआ वो आपने करके दिखाया, मेरे सामने आके दिखाया,
मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करूंगा, मगर मैं फिर भी एक बार जो बात मुझे बोलनी थी मैं भूल गया। क्या मैं एक बार आपसे वापस आके बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? दोस्तों ये वही रूम है जिसमें मुझे नुकसान मत पहुंचाना बहन, मेरी बहन आप मुझे नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है मैंने अपना वादा तोड़ा, इसलिए मगर मैं एक बार वापस देखना चाहता हूँ आपको। मुझे बहुत दुख है।